आज हमारे साथ में मयंक जी है। मयंक जी की सर्जरी हमने लगभग 1 महीने पहले की थी, तो आज मयंक जी से उनकी सर्जरी के बारे में ही उनका फीडबैक लेंगे। मयंक जी बता सकते हैं सर्जरी के बाद में आपका, वैसे सर्जरी के दौरान तो आपने बता दिया था क्या प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुई है, सर्जरी के बाद में आपने ड्रेसिंग कराया था 3-3 दिन की गैप में छोड़ के, है ना? ठीक है। और आप ऑफिस कंटिन्यू कर रहे हैं सर्जरी के बाद से? नेक्स्ट डे से ही आपका ऑफिस कंटिन्यू है, ठीक है। आपने जो मुझे जैकेट दिया था पहनने के लिए वो मैं कंटिन्यू पहन रहा था, जैकेट कंटिन्यू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ओके, ठीक है। चेस्ट आपकी फ्लैट है जी। तो मयंक जी आपका वैसे ब्रेस्ट का साइज कौन से ग्रेड का था वैसे? ग्रेड 4 था आपका। हाँ, जो अब नॉर्मल हो चुका है, जो कि अब नॉर्मल हो गया है। तो एक बार खोल के दिखा सकते हैं आप क्या? जी ठीक है। ठीक है, ये ग्रेड 4 था गायनेकोमिस्ट्री आपका, और अब एकदम ये फ्लैट हो गया है। ठीक है, आप खुश हैं अपने रिजल्ट से? जी बिल्कुल, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। अब कॉन्फिडेंस आया आपको? मैं अब दिवाली के अच्छे से शॉपिंग कर सकता हूँ, टी शर्ट पहन सकता हूँ। अच्छा, अब मेन प्रॉफिट ये रहेगा कि आप टी शर्ट पहन सकते हैं, कहीं पे भी अब ओपन कर सकता हूँ मैं आपको। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मयंक जी, जैसे जिन लोगों को गायनेकोमिस्ट्रिया की प्रॉब्लम है उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे? मैंने भी बहुत मतलब देखा था यूट्यूब पे, तो मुझे आपका चैनल मिला जिसके माध्यम से मैं आपसे कनेक्ट हुआ और ये सर्जरी का होना संभव हुआ। ओके, जिससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। चेस्ट आपके, तो एक तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसको ये प्रॉब्लम है तो एक बार ज़रूर विजिट करें यहाँ पे आके जेनेटिक क्लिनिक पे। ओके, जिससे उनका जो प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगा। ठीक है।